हाँ जी बच्चों, फिर से अब एक नया चैप्टर लीजिंग। बिल्कुल सिंपल, अगर मैं कहूं कि अब ये चैप्टर आईपीसीसी में चला गया तो आप समझदार हो कि कितना सिंपल होगा। और थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में लिया होगा, पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं पता लीजिंग के विषय में। हेडिंग डालते फिर सोचते क्या क्या करना। लीजिंग डिसीजन, लीजिंग। सर ये लीजिंग है क्या बिट्टे? बड़ी सिंपल सी बात है, और पूरा की पूरा एक ही बेसिस पे, पूरा एक ही तरीके से, एक ही इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट किया और सारे क्वेश्चंस उसी बेसिस पे। ठीक है सर। सर बताइए क्या है अखिल जी, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको। मुझे ना यार कार चाहिए मेरी, कोई है जैसे बड़ी बड़े रेलवे वगैरह होता है ना, रेलवे उन लोगों को कार की जरूरत पड़ती है, तो बहुत सारे लोग कार लगा देते हैं वहां। तो ना मुझे ना यार कार चाहिए, और कम से कम कार 5 साल के लिए चाहिए। ठीक है सर, खरीद लीजिए बेटे। नहीं, खरीदने वाली बात नहीं है, मैं सोच रहा हूँ क्यों खरीदूं, मेरे पास और भी तो ऑप्शन है। तो सर क्या ऑप्शन है आपके पास? मैं एक काम करता हूँ, किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी से बात करता हूँ। धीरे धीरे नॉर्मल लैंग्वेज यूज करूंगा मैं, लैसा लैसी बहुत कम यूज। अभी सीधी सी बात समझ, मैंने कहा मैंने किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी से बात किया, ट्रांसपोर्ट एजेंसी। और मैंने कहा ट्रांसपोर्ट एजेंसी सुनो ना यार, मुझको ना कार चाहिए किराए पर। किराए पर कितना किराया लोगे? और सुनो, एक आध साल के लिए नहीं, टोटल 5 साल के लिए किराए पे चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने कहा कि ठीक है जी, एक काम करना, आप हर साल का हमको 1 लाख रुपए दे देना, हर साल का लीज। अच्छा, किराए पे लिया तो मुझे हर साल किराया कितना देना पड़ेगा? 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। तो टोटल मिलाकर हर साल मेरा किराया कितना जा रहा है? 5 लाख रुपए जा रहा। मैं सोच रहा हूं यार, किराए पे लेने की अपेक्षा, रेंट पर लेने की अपेक्षा क्यों ना खरीद ही लूं। अब मैं गया मार्केट में, मैंने कहा कार कितने की पड़ रही है? अगर मैं कैश में ले रहा हूं तो कार पड़ रही है 4 लाख रुपए की। ओहो, सोच के बताना बेटे, मेरे लिए क्या अच्छा है? क्या मैं किराए पर ले लूं, लीज पर ले लूं ट्रांसपोर्ट एजेंसी से, और हर महीने किराया दे, सॉरी मंथली नहीं, क्या हर ईयरली ईयरली मुझे किराया देना पड़ेगा 5 लाख रुपए? या तो फिर अभी कार ही खरीद लेता हूं, कार मेरी हो जाएगी, बात खत्म। सर तो आप खरीद लो ना जा बेटे। नहीं, काश इतना इजी होता। इतना इजी नहीं है, हम लोगों को बहुत कुछ सोचना है। याद रखना, लीजिंग डिसीजन है क्या? बड़ा सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल। अगर आम आदमी से पूछू ना तो वो शायद कुछ और ही बोले। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मैं ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास जाके बोल रहा हूं कि कार मुझे किराए पे दे दो। सर ट्रांसपोर्ट एजेंसी का नाम क्या? लेसा। उससे मैं कार किराए पे मांग रहा हूं 5 सालों के लिए, हर साल 1-1 लाख रुपए देना पड़ेगा। बताओ 5 साल में टोटल कितना जा रहा? 5 लाख। उसकी अपेक्षा मैं कार खरीद ही लेता हूं तो कितना जा रहा है? 4 लाख। बताओ क्या अच्छा है, किराए पर लेना है, लीज पर लेना है, कि खरीदना ज्यादा अच्छा? अगर आम आदमी से बोलोगे तो कहोगे यार 5 लाख क्यों दे रहे हो भाई, 5 लाख में कौन सी कार आपकी अपनी हो जाएगी, वो तो किराया ही देना पड़ेगा, उसकी अपेक्षा आप खरीद ही लीजिए। नहीं, हम आम आदमी की तरह बात नहीं करेंगे, हम सीए लोग हैं तो उस हिसाब से बात करेंगे। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज दिख रही है, ये आपके एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस पे टैक्स सेविंग्स होता है, आप अच्छे से जानते हो कैपिटल इन्वेस्टिंग में। हाँ सर, यहां टैक्स सेविंग नहीं होगा, यहां हालांकि इस पे डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग्स होगा। तो ऐसी बहुत सारी हमको बात करनी है। ठीक है, ओके। तो हमें क्या डिसाइड करना है? हमें लीज पर लेना है कि नहीं लेना? इट मींस दो ऑप्शन रहेंगे, लीजिंग डिसीजन, लीज, इसको लीज बोलूंगा, जिससे मैं किराए पर ले रहा हूं उसको मैं लेसर बोलूंगा, और मेरा नाम क्या? लेसी। लेसर जो किराए पर, ट्रांसपोर्ट एजेंसी मतलब लेसर, या फिर खरीद लो। अच्छा तो सर कैश में खरीद रहे हो? हाँ, कभी कभी हम फाइनेंस भी करवा लेते हैं। अच्छा सर, फाइनेंस मतलब? फाइनेंस मतलब भाई जो आप जैसे कार है ना, तो फाइनेंस करवा लो भाई, एक साथ पैसे नहीं देने पड़ेंगे, उसमें भी ईएमआई देना पड़ता है, कुछ निकलता है ईएमआई की, 1-25, 1-25, 1-25, 1-25, ऐसी ईएमआई जा रही है। ठीक
ठीक है, हर साल की, ईयरली मान के चल रहा हूं। तो अब बताओ, इसमें भी किराया देना पड़ रहा है, इसमें इंस्टॉलमेंट देना, यहां मैंने फाइनेंस करवा रखा है और यहां यहां मैंने लीज पर ले रखा है। ठीक है, अब सोच के बताना। सर यहां कार आप चलाओगे? बिल्कुल। और यहां भी मैं ही यूज करूंगा? यहां क्या मेरी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी? सोच समझ के बोलना। अगर मैं किसी ट्रांसपोर्ट एजेंसी से कार किराए पे बुलाता हूं तो क्या मेरी 5 साल बाद ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं, ना अभी ना 5 साल बाद, मुझे कार वापस करना पड़ेगा। लेकिन यहां अगर मैं गाड़ी फाइनेंस करवाता हूं तो कोई शक नहीं है कि ऑनरशिप अभी तो नहीं मिलेगी, लेकिन 5 साल की जब मैं सारी किस्तें दे दूंगा तब ऑनरशिप मेरी हो जाएगी। यहां भी मेरी ऑनरशिप नहीं है, यहां भी मेरी ऑनरशिप नहीं है, पर यहां ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, यहां ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। हालांकि मैं इसको लीज नाम दे रहा हूं, इसको मैं लोन ऑप्शन दे रहा हूं, पर अगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलो तो इसको बोला जाता ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग, और इसको सर इसको बोला जाता फाइनेंस लीज। ठीक है, तो उसमें भी हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि यार ऑपरेटिंग लीज अच्छा है या फाइनेंस लीज अच्छा है, या दूसरी लैंग्वेज में बोलो लीज ऑप्शन अच्छा है कि लोन ऑप्शन अच्छा है। ठीक है सर, ये सब कुछ है। अच्छा, और एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। मैं अभी ये बता रहा हूं कि क्या क्या पढ़ना। मैं हूं ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मैं सोच रहा हूं यार कोई बिजनेस करते हैं, और बिजनेस ऐसा है, सुना बिजनेस ऐसा है कि मैं कार खरीद कर लीज पे देना चाहता हूं, लगाना चाहता हूं कहीं कर, होता ना रेलवे वगैरह में लगा दो यार, टेंशन खत्म, खरीद के लगाना चाहता हूं, अभी कुछ है नहीं है, मैं खरीद के लगाना चाहता हूं। तो सुनो, अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे फायदा है या नहीं। कार खरीदूंगा तो पैसा जाएगा, और उसको लीज पे दूंगा तो लीज रेंट आएगा, और फिर मैं एनपीवी निकाल लूंगा। तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि यार हमें कार खरीद कर, एसेट खरीद कर लीज पर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अच्छा, और लीज पर देना चाहिए तो कम से कम कितना लीज रेंट वसूल करे? कम से भाई, अब लीज पे मैं देने को तैयार हो गया, ओके, कितने पे दोगे, कितना लीज रेंट? कम से कम इतना लीज रेंट तो मुझे मिले कि जितना मेरा पैसा गया उतने की रिकवरी हो जाए। इट मींस मुझे मिनिमम लीज रेंट कम से कम कितना, ये भी तो निकालना पड़ेगा। उसको हम ब्रेक इवन लीज रेंटल बोलेंगे। तो टोटल मिलाकर मुझे देखा जाए तो 4 चीजें पढ़ना लीजिंग में। कौन कौन सी 4 चीजें पढ़ना? पहले लीज वर्सेस बाय, कैश में खरीद रहे, ठीक है। दूसरा लीज वर्सेस लोन, या फिर ऑपरेटिंग लीज वर्सेस फाइनेंस लीज। तीसरा लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से एनपीवी, ओके। और एक सीखना मुझे ब्रेक इवन लीज रेंटल। तो ठीक है सर, चलो स्टार्ट करते हैं। हम टोटल 4 पार्ट में बात करेंगे। फर्स्ट, लीज वर्सेस बाय। सेकंड, लीज वर्सेस लोन, या इसी का नाम रहेगा ऑपरेटिंग लीज वर्सेस फाइनेंशियल लीज। तीसरा, ये लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब लेसर पॉइंट ऑफ व्यू, हमको सीखना है कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, एंड लास्ट ब्रेक इवन
लीज रेंट। ब्रेक इवन लीज रेंट मतलब हो गया कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम लीज रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग डालते हैं लीज वर्सेस बाय। फर्स्ट लीज वर्सेस लिखते हैं वहने वो एनी एसेट is to be acquired then decision is taken whether such asset should be bought or taken on lease basis. Such a decision is taken on the basis of present value of कैश आउट क्लॉज। ठीक है सर, खर्चे है जिसमें खर्चा कम आएगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे। समस्या बस इतनी सी है कि यार अगर मैं पीएम देखता हूं प्रैक्टिस मैनुअल हमारा, तो कोई क्वेश्चन किसी और तरीके से, कोई क्वेश्चन मतलब फॉर्मेट सब में अलग अलग, तो बच्चे परेशान होते हैं। भाई ठीक है, बात क्वेश्चन समझ में आ गया, स्टार्ट कैसे करें। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक ही टेबल बनाएंगे, एक ही फॉर्मेट बनाएंगे और उसी फॉर्मेट में हर क्वेश्चन बनाएंगे, हर क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में बनेगा। उससे फायदा क्या होगा कि जितने भी लिखेंगे क्वेश्चन है, आपको पता भाई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट में हमको लिखना। हालांकि कॉन्सेप्चुअल है ठीक है भाई, लेकिन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट रहे, प्रेजेंटेशन रहे, तो वो बात अच्छी है। और जितने भी क्वेश्चन है सबके सब उसी फॉर्मेट में बन जाएंगे, तो हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, तो फॉर्मेट बना लेते हैं क्या? हाँ, फॉर्मेट हम निकालने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस, और फॉर्मेट वही चलेगा हमारा कैपिटल बजटिंग वाला। यहां होगा पर्टिकुलर और सर यहां प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ईयर ले लेते हैं, ईयर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है जी,
अब क्या कर रहा है? अब हमारे पास दो ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर वन, लीज ऑप्शन। अगर हम कार किराए पर बुलवाते हैं रेंट पर ट्रांसपोर्ट एजेंसी से, तो हमें हर साल क्या देना पड़ेगा लीज रेंट? सर लेकिन वो तो मंथली जाता है ना। बेटे मंथली जाता है, मानता हूं। यहां मंथली में क्वेश्चन होने से रहा, आपको ईयरली ही लेना पड़ेगा, मंथली में तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है सर। दूसरी बात, ये लीज रेंट कब देना पड़ता है? जैसे 5 साल के लिए किराए पे लिया, तो ये हर साल के ईयर एंड में देना पड़ता है कि बिगिनिंग में देना पड़ता है? क्या लगता है सर? वो कैसे बता सकते हो? तो एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, एग्रीमेंट पे। पर फिर भी कुछ ना बोला, क्वेश्चन में भी कुछ नहीं बोला, तो हम ईयर एंड मान के चलेंगे। तो हमारे जेब से पैसा क्या जाएगा? लीज रेंट। मान लो 5 साल है, मान लो 5 ईयर्स है, तो यहां लिख रहा हूं 1 to 5। यहां फैक्टर आ जाएगा, यहां अमाउंट आ जाएगा, और यहां प्रेजेंट वैल्यू जाएगा। अब ये बताओ, लीज रेंट आपका एक्सपेंसेस है कि नहीं है? सर है। ओके, अब एक्सपेंसेस है तो अगर आप गाड़ी किराए पे लेते हो तो एक्सपेंसेस में दिखाओगे? हाँ सर। उससे आपका प्रॉफिट कम दिखेगा? हाँ। और प्रॉफिट कम दिखेगा तो टैक्स भी कम लगेगा ना भाई? हाँ सर, सही बात है। तो अगर इनडायरेक्टली बोलूं, लीज रेंट मेरा खर्चा, और उस खर्चे पे टैक्स सेविंग्स तो होना है सर। नेट ऑफ टैक्स नहीं कर सकते कि कर सकते हो? वो मैं सब समझाऊंगा धीरे से। तो मेरा कुछ फायदा भी है, पैसा जाएगा लेकिन कुछ फायदा भी तो है। क्या फायदा है? टैक्स सेविंग्स ऑन लीज रेंट 1 to 5। टैक्स सेविंग है तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। यहां जो आएगा, यहां नेट, उसका नाम लेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो अंडर लीज ऑप्शन। दिस इज टोटल ऑफ ए। सर आप किराए पे जब इतना किराया देना ही है तो आप खरीद ही क्यों नहीं लेते हो? मतलब अगर हम खरीद लेते हैं तो, क्योंकि आप 5 साल तक किराए पे गाड़ी चलाओगे और किराया देना है, उससे अच्छा खरीद ही लो। लेकिन एक दिक्कत है ना बेटे, दिक्कत ये है कि अगर मैं किराए पे गाड़ी लेता हूं तो मेरा एक साथ पैसा नहीं जाएगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख ऐसे जाएगा, और खरीदूंगा और कैश में खरीद रहा हूं तो एक साथ 5 लाख जाएगा या 4 लाख जाएगा। हाँ सर। तो सबसे पहले क्या जाएगा? कॉस्ट ऑफ एसेट, ये तो आज ही लगेगा, आज को जीरो, ये पैसा मेरा आज ही जाएगा सर। तो इस पे टैक्स सेविंग, बेटे इस पे टैक्स सेविंग नहीं होती। टैक्स सेविंग किस पे होती है? टैक्स सेविंग्स होती है डेप्रिसिएशन पर। अच्छा, तो यहां अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा? एक फायदा है सर, जैसे हम गाड़ी किराए पे बोल ले रहे हैं ट्रांसपोर्ट एजेंसी से, तो क्या हम डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते? सवाल ही पैदा नहीं भाई, वो ऑनर है तो वो लगाएगा डेप्रिसिएशन, हम कैसे लगा लेंगे? ओके ओके ओके, टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन। ये सर, ये तो 5 साल तक लगाएंगे, बिल्कुल सही। यहां फैक्टर आ जाएगा, और यहां माइनस, और यहां माइनस। बस एक चीज और देना, अगर मैं किराए पर गाड़ी लेता हूं लीज पर, मैंने ट्रांसपोर्ट एजेंसी से कहा भाई गाड़ी पहुंचा दो यार घर, 1 साल 2 साल 3 साल हुआ 4 साल हुआ 5 साल हुआ, क्या मैं 5 साल बाद वो गाड़ी बेच सकता हूं? नहीं सर। आप कैसे बेचोगे? वापस करना पड़ेगा। हाँ भाई, यहां तो मुझे गाड़ी वापस करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने गाड़ी खरीदा है तो सर फिर तो बेच सकते हो। और बेचने पे जो मिलता है उसको हम क्या नाम दिए थे? टर्मिनल वैल्यू, कि प्रोजेक्ट एसेट को टर्मिनेट करने पर कितना पैसा मिलेगा, मिलेगा या ठीक है। ये आ गया सेकंड, PVCO अंडर बाय ऑप्शन। ए भी लिखने की जरूरत ही नहीं। और कौन सा वाला एक्सेप्ट करेंगे?
पीवीसीओ कम आएगा, कम। हाँ भाई, कैश आउटलो कम आना चाहिए ना, जिसमें कम आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटलो, और लोअर कैश आउटलो शुड बी एक्सेप्टेड, जिसमें कैश आउटलो कम आएगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहां लिख देता हूं लोअर पीवीसीओ शुड बी एक्सेप्ट। बस कुछ समस्याएं हैं उस पर भी बात कर लेते हैं, समझना ठीक से, समझना बिल्कुल ध्यान से समझते जाना। अब ऐसा है कि मैंने लीज पे लिया हूं कि कार, बोले ठीक है, लीज की बात हो गई, और लीज की बात हुई कि मुझे लीज ट्रांसपोर्ट एजेंसी को हर साल देना है 1 लाख रुपए, ठीक है, 5 साल तक, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 5 साल तक देना। अब भाई उसका गाड़ी का मेंटेनेंस कौन करेगा? मैं करूंगा कि वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला करेगा, मेंटेनेंस रिपेयर वगैरह जो भी होता है उसका खर्चा कौन देगा? और मुझको मालूम है मेंटेनेंस एक्सपेंसेस लगते ही है भाई, गाड़ी की सर्विसिंग करवाना, सर्विसिंग कौन करवाएगा? वो करवाएगा ट्रांसपोर्ट एजेंसी कि मैं करवाऊंगा? अब ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला बोल रहा है कि साहब 1 लाख रुपए दे दो, आपका काम खत्म, मतलब जितने भी सर्विसिंग एक्सपेंसेस है, सर्विसिंग एक्सपेंसेस वो इसी में जुड़े हैं, इसी में लीज रेंट में ही जुड़े हैं, मुझे अलग से नहीं करना, इसी 1 लाख रुपए देना, बस बात खत्म, खर्चा वही देखे। सोच के बताना, अगर मैं यहां 1 लाख रुपए लिख देता हूं इसी में सर्विसिंग एक्सपेंसेस है, तो क्या मुझे अलग से दिखाना पड़ेगा? नहीं सर, नहीं, जब इसी में जुड़ा है आपका टेंशन तो है नहीं है, तो क्या लीज ऑप्शन में सर्विसिंग एक्सपेंसेस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि मुझे करवाना ही नहीं है। पर क्या बाय ऑप्शन में आएगा? हाँ, यहां तो सर्विसिंग मुझे ही करवाना पड़ेगा, मेंटेनेंस मुझे ही करना पड़ेगा। तो अभी तक क्या समझ में आया? बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस जुड़ा हुआ है लीज रेंट में, तो बताओ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आएगा कि नहीं आएगा? इसी में जुड़ा हुआ आएगा, पर लीज ऑप्शन में नहीं आएगा, बाय ऑप्शन में आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट है, मैं लिख देता हूं, नोट, इफ लीज इंक्लूड्स मेंटेनेंस एक्सपेंसेस दैट इज मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बॉर्न बाय लेसर। ठीक है, इफ लीज रेंट लिख दो, यहां लीज नहीं, लीज रेंट इंक्लूड्स मेंटेनेंस एक्सपेंसेस दैट इज मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बॉर्न बाय लेसर, देन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस शैल नॉट बी कंसीडर्ड इन लीज ऑप्शन बट such expenses are taken in buy option। ये आपका एक इंपॉर्टेंट नोट हो गया। ठीक है सर, दूसरा नोट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनना, ध्यान से सुनोगे। फिर से मेरी ट्रांसपोर्ट एजेंसी से बात हो रही, ट्रांसपोर्ट एजेंसी, मैंने कहा यार देना कितना है पैसा? बोले लीज रेंट का 1 लाख रुपए। मैंने कहा ठीक, वो समझ में आ गया। मैंने कहा मेंटेनेंस का कौन देगा? बोले भाई वो आप ही को करवाना पड़ेगा, सर्विसिंग आप करवाओगे। अच्छा, 1 लाख रुपए तो वो देना है और सर्विसिंग मुझे ही करवाना पड़ेगा, 20,000 रुपए पर एनम का खर्चा।
अब सोच के बताना, सोच के। 1 लाख रुपए, क्या इसमें मेंटेनेंस इंक्लूड है? नहीं। क्या वो मुझे अलग से करना पड़ेगा? हाँ, लैसी को बियर करना पड़ेगा। अच्छा, तो सर 20,000 तो अब तो आएगा। हाँ बिल्कुल, अब सोचना अगर मैं खरीदता हूं तो आएगा कि नहीं आएगा? सर वो तो आना ही है ना भाई, वो तो सर्विसिंग आप ही को करवाना पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर अगर लीज रेंट में मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं है, मतलब मेंटेनेंस एक्सपेंसेस खुद लैसी ही बियर कर रहा है, तो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस लीज ऑप्शन में भी आएगा और बाय ऑप्शन में भी आएगा। इसका मतलब दोनों जगह नहीं आएगा। सर क्या बात कर रहे हो बेटे, सोच के देखो। इरेलीवेंट हो गए है ना यार, कॉस्टिंग पढ़ा? कॉस्टिंग कैसे पढ़ी हो गई? अभी तो ग्रुप 1 चल रहा है ना, कि यहां भी लिखूं 20,000, यहां भी लिखूं, जब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन ही करना है तो जो कॉमन खर्चे जो यहां भी आना, जो यहां भी आना, तो उसे इग्नोर ही कर दो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? अच्छा सर, ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा। जो खर्चे यहां भी आना, जो खर्चे यहां भी आना और सेम है, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। तो फिर से, इफ लीज रेंट डज नॉट इंक्लूड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, दैट इज मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बॉर्न बाय लैसी, देन सच एक्सपेंसेस शुड बी टेकन इन बोथ ऑप्शंस, दोनों ऑप्शन में लेना चाहिए, बट इट इज इरेलीवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। जब यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, तो रेलिवेंट है ही नहीं है मेरे डिसीजन मेकिंग के लिए, बट इट इज इरेलीवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, देन सच एक्सपेंसेस शैल बी इग्नोर्ड इन बोथ ऑप्शंस। तो दो नोट हमारे काम के हैं। किस मैटर पे लिखाया मैंने? मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के विषय में लिखवाया। तीसरा भी नोट लिख लीजिए। सर ये जो लीज रेंट है, जैसे ये होता है, मान लो 3 साल का लीज है सर, ये 1 साल, ये 2 साल और ये 3 साल। सर लीज रेंट जैसे यहां पैट करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसको बोला जाता है ईयर एंड लीज रेंट, ईयर एंड लीज रेंट, ईयर इज ईयर एंड। टैक्स सेविंग भी होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन कभी कभी हम इस साल का लीज रेंट यहां पैट करते हैं, इस साल का लीज रेंट यहां पैट करते हैं, और इस साल का लीज रेंट यहां पैट करते हैं। इसको बोला जाता है लीज रेंट जो पैट कर रहे हैं वो कर रहा है बिगनिंग ऑफ द ईयर। ओके, अब एक बात तो, इस साल का लीज रेंट मैंने यहां पैट कर दिया, एग्री, पर इस पे जो टैक्स सेविंग होगा वो यहां नहीं होगा 0 पीरियड में, वो तो 1 साल बाद होगा।
क्योंकि पीएनएल अकाउंट तो लास्ट में बनाया जाता ना, जैसे इस साल का लीज रेंट मैंने यहां दिया, खर्चा है, पर वो खर्चा जो है जो मैं यहां पैट कर रहा हूँ वो तो इस साल के पीएनएल अकाउंट में दिखाऊंगा और टैक्स सेविंग यहां होगा। सर इसका क्या यूज क्या है बेटे, ये तो क्वेश्चन बनाते समय मैं आपको समझाऊंगा, अभी बस इतना समझ लो, अगर लीज रेंट पैड हो रहा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर या बिगिनिंग ऑफ ईयर इन एडवांस बोल दो, तो टैक्स सेविंग कब माना जाएगा, ईयर एंड में, वो भी लिख लेते काम आएगा, क्योंकि इफ लीज रेंट इज पैट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर दैट इज इन एडवांस देन टैक्स सेविंग्स ऑन लीज रेंट इज टेकन एट द एंड ऑफ ईयर। और सर अगर कुछ भी नहीं लिखा, बिगिनिंग में पैड हो रहा कि एंड में, तो क्या एज्यूम करोगे, एंड में। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट एज्यूम लीज रेंट इज पेट एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है सर, तो तीन नोट लिखा है आपने और ये तीनों नोट आपके काम के हैं। ठीक सर, अब एग्जाम्पल डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए सर बुक से, नहीं बेटे नहीं, अभी एग्जाम्पल कर लेते हैं, टोटल दो एग्जाम्पल करवा देता हूं, कॉन्सेप्ट लॉजिक समझ में आ जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखोगे एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन, चलो जी सीधा सीधा काम करूं, कॉस्ट ऑफ मशीन, मैं मशीन खरीदने का सोच रहा हूं, मशीन खरीदने का कॉस्ट है रुपीस 4 लाख, 4 लाख रुपए में कार मिल रही है, अच्छा एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना, मैं जानता हूं कि 50,000 की बिक जाएगी, सर कब बिकेगी, मान लो लाइफ है 4 इयर्स, ठीक है मैं सोच रहा हूं मुझे 4 साल के लिए कार चाहिए, कैश में खरीद लेता हूं 4 लाख रुपए पड़ेगा और 4 साल बाद बेच दूंगा, तो कितने का बिकेगा 4 साल बाद, 50,000 का। अच्छा इसकी अपेक्षा भाई आप क्यों ना लीज पे ही ले लेते हो, हाँ सर वो भी ठीक है, लीज रेंट देना पड़ेगा और लीज रेंट मुझे देना पड़ा रुपीज 1,25,000 पर एनम, और यहां ब्रैकेट में लिख भी देता हूं ईयर एंड, समझ रहे हो आप, ईयर एंड लीज रेंट है, 1,25,000 देना है, 1,25,000 हर साल जाएगा 4 साल तक, उससे अच्छा खरीद लो, 4 लाख का मिल रहा है यहां तो, 1,25,000 हर साल जाना है बेटे हर साल, ठीक है देखते हैं। टैक्स रेट, टैक्स रेट ले लेते 30% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है, और सर डेप्रिसिएशन का मेथड, डेप्रिसिएशन का मेथड ले लेते हैं
स्ट्रेट लाइन मेथड, और आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहा है, विच ऑप्शन इज बेटर। लीस और बाय, तो मैंने कहा एक ही टेबल में सारा काम होगा हमारा। सबसे पहले आएगा ईयर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना परसेंट वाला लेना, 10%। यहाँ क्या जाएगा अमाउंट, और यहाँ क्या जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। नाम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ PVCO, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश ऑप्शन, कैश आउटफ्लो। और हमारा ऑप्शन नंबर वन और कौन सा, लीज ऑप्शन, लीज ऑप्शन। बताओ भाई क्या देना पड़ेगा अगर मैं लीज पे ले तो? सर लीज रेंट देना पड़ेगा। अब सुनना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। पहले लिखोगे लीज रेंट, हर साल का कितना, 1,25,000। मैं ये नहीं लिख रहा हूं, बस सुनना, 1,25,000 लिखा लीज रेंट। और उस लीज रेंट पे क्या होगा बेटे, टैक्स सेविंग्स। और 1,25,000 पे टैक्स सेविंग कितना होगा, 30%। एक लाख पच्चीस हजार इंटू 30%, तो बेटे इसमें से फिर हम माइनस करेंगे 37,500। बेटे बस मैं एक बात आपसे बोल रहा हूं, 1,25,000 लिख रहे हो, टैक्स सेविंग माइनस कर रहे हो, तो 1,25,000 माइनस 37,500, तो क्यों ना सीधा इसकी जगह 87,500 लिख दिया जाए, क्या दिक्कत है? बार बार कौन मल्टीप्लाई करे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से? सर ऐसा कर सकते हैं कि? बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ कंडीशन में नहीं कर सकते, वो मैं आपको बता दूंगा अगले ही एग्जांपल में। पर यहां बात समझ में आती है कि मैं यहां नेट ऑफ टैक्स कर सकता हूं, नेट ऑफ टैक्स सेविंग्स, यहां कर दिया नेट ऑफ टैक्स। मतलब लीज रेंट कितना है, 1,25,000, 1 माइनस 0.30 कर दिया, तो अल्टीमेटली वही आ जाएगा 0.7 इंटू 1,25,000, 87,500 सीधा आ गया। कितने साल तक लीज रेंट देना, 4 साल, तो यहां जाएगा 1:4, फैक्टर देख लेते, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 1, 2, 3, 4, 1 डिवाइडेड 1.10, 1, 2, 3, 4 जीटी, ये आ गया 3.1699 इंटू 87,500। तो अगर मैं लीज पे लेता हूं तो मेरा आ रहा है खर्चा 277,366। बस हाँ, आपका मन कर रहा तो आप टैक्स सेविंग्स अलग से दिखा सकते हो। ऑप्शन नंबर 2, या तो आप खरीद ही लो ना यार, बाय ऑप्शन। अगर खरीदते हो तो कॉस्ट ऑफ मशीन कब, आज खरीदोगे, आज खरीदोगे तो फैक्टर क्या है, 1, कितना पैसा जाएगा आज हमारे पास से, 4,00,000, 4,00,000 ठीक है। दूसरा क्या लेना मुझे, टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिसिएशन कैसे निकालते बेटे, डेप्रिसिएशन देखो मशीन की कीमत कितनी है, 4,00,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 50,000 डिवाइडेड बाय 4,
4 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 4, 87,500 आया डेप्रिसिएशन। कुछ बच्चे सीधा डेप्रिसिएशन सेविंग्स लिखना है, इट मीन्स 87,500 का टैक्स सेविंग कितना होगा 30%। तो ये आ गया हर साल 26,250 का टैक्स सेविंग होगा, 1,243.1699 × 3.1699, तो ये आ गया 83,210। और चार साल बाद हम मशीन बेचोगे तो उसको क्या बोला जाता, उसको बोला जाता है टर्मिनल वैल्यू। कौन से साल में बेचोगे, फोर्थ ईयर में। तो सर टर्मिनल वैल्यू कैपिटल गेन टैक्स आएगा कि नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं। बोलो बेटे कितने में बेचोगे सेल, 50,000 माइनस कैपिटल गेन टैक्स। सेल कितने में कर रहे हैं, 50,000। बुक वैल्यू कितना, तो सोचो हर साल का डेप्रिसिएशन 87,500 कितने साल तक लगाओगे, चार साल तक, तो 3,50। बुक वैल्यू कैसे निकालते पता है ना, मशीन का कॉस्ट कितना है 4 लाख, टोटल डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है 3,50,000, तो बुक वैल्यू कितनी है 50,000। तो 50,000 में बेच रहे हो, 50,000 ही WDV है, तो ये तो बिट्टे कैपिटल गेन कुछ भी नहीं है, तो टर्मिनल वैल्यू कितना आ जाएगा, 50,000 ही आ जाएगा। हाँ सर पता है SLM मेथड है बिट्टे, ये जरूरी नहीं है 50,000, ये पैसा आएगा चौथे साल, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, 1, 2, 3, 4, 0.6830 ले लेता, 50,000 इंटू 0.6830, तो ये आ गया 34,150। बस और कुछ नहीं है, तो 4 लाख जाएगा माइनस 83,210 माइनस 34,150, तो आंसर आ गया 2,82,640। बताओ भाई क्या अच्छा है, लीज पे लेना चाहिए कि खरीद लेना चाहिए। सर खरीदने में तो ज्यादा खर्चा आ रहा है, लीज पे लेने में कम खर्चा आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा, लीज ऑप्शन इज बेटर। क्यों बेटर, ड्यू टू लोअर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, और एक एग्जांपल कर लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे बुक से। एग्जांपल नंबर टू, कॉस्ट ऑफ मशीन, अब की बार मैंने लिया 5 लाख रुपए, लाइफ अब की बार लाइफ ले लेता हूं 3 इयर्स। ठीक है सर, चलो 4 इयर्स ही ले लेता हूं। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन 20% पर एनम, WDV मेथड। बेटे इस बार मेथड WDV है, WDV आप समझते हो। ठीक है सर, ये पता है हमको, टैक्स रेट 40%। अगर आप लीज पे लेते हो तो लीज रेंट, ₹2 लाख पर एनम, पेबल
एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। बेटे इस बार लीज रेंट 2 लाख रुपए है, लेकिन पे कब कर रहे हो? बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगर क्वेश्चन जो मुश्किल जाने वाला है ना, वो सिर्फ इसी की वजह से जाने वाला है और डेप्रिसिएशन की वजह से। ये दो चीज आपको नहीं दिख रही है। आगे लिखोगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और ये ले लेते 12% पर एनम। क्वेश्चन है विच ऑप्शन इज बेटर, चलो जी तैयार हो। फिर से वही काम करना है, लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस, यहां जाएगा ईयर, यहां जाएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना परसेंट के हिसाब से 12, यहां जाएगा अमाउंट और यहां जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। ठीक, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, कौन सा ऑप्शन? लीज, और लीज में क्या जाएगा सर? लीज रेंट सर, नेट ऑफ टैक्स कर ले, रुक जाओ, नेट ऑफ टैक्स नहीं। अब सुनना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये मेरा पहला साल, ये मेरा दूसरा साल, मेरा तीसरा साल और मेरा चौथा साल। अब मैं जो लीज रेंट दे रहा हूं ना, ईयर एंड में नहीं दे रहा हूं, ईयर के बिगिनिंग में दे रहा हूं। मतलब ये मेरा जीरो पीरियड हो गया, तो ईयर का बिगिनिंग यहां दे रहा हूं कितना रुपए, 2 लाख, यहां दे रहा हूं 2 लाख, यहां दे रहा हूं 2 लाख, यहां दे रहा हूं 2 लाख, इस तरह से दिया जा रहा है। तो फैक्टर जो आएगा वो आएगा 0, 2, 3। पिछले क्वेश्चन में क्यों इधर से आया? क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां दे, तो इसलिए फैक्टर आ रहा था 1, 2, 4। अब फैक्टर क्या आएगा? 0, 2, 3। लेकिन 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 मैंने पहले नोट लिखवा रखा, टैक्स सेविंग कहां होता है? ईयर एंड में, मतलब 1, 2, 4। तो इसका मतलब सर, जब जब भी लीज रेंट पैड हो रहा है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग में, ओके, लीज रेंट पैड हो रहा बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और तो फिर हम नेट ऑफ टैक्स नहीं कर सकते। हाँ, आप ऐसा समझ लो, कर तो सकते, बहुत टेक्निकल हो जाएगा। एक चीज याद रखो, अगर लीज रेंट नॉर्मली एंड ऑफ ईच ईयर हो रहा है तो टैक्स सेविंग नेट ऑफ टैक्स करके लिख देना, लेकिन लीज रेंट हो रहा बिगिनिंग में तो फिर आपको लेना पड़ेगा लीज रेंट अलग से और टैक्स सेविंग ऑन लीज रेंट अलग से। ठीक है जी सर, तो लीज रेंट यहां आ जाएगा 1, 2, 4। सर कितना रुपए है लीज रेंट? 2 लाख रुपए, पूरा 2 लाख रुपए ले रहा हूं, टैक्स सेविंग अलग से माइनस करूंगा 2 लाख। अच्छा 1, 2, 4 मैंने गलत लिख दिया, फिर क्या लिखना पड़ेगा? 0, 2, 3। अच्छा मैं फैक्टर बता दूं किसका, मालूम है आपको? 0 का हम क्या लिखते हैं? 1 डिवाइडेड बाय 1.12। ये वाला फैक्टर है 0.8929, ये वाला फैक्टर है 0.7972, और थर्ड ईयर का फैक्टर है 0.7117 या 118। तो अभी क्या करना है आपको? ये तीनों जोड़ना है और ये 1 भी जोड़ना है भाई, इसको मत भूल जाना। इसका मतलब जब आप करते हो 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 1, 2, 3, फिर जीटी प्रेस करते हो, तो एक्चुअल में वो तो ये जुड़ता है, और फिर बाद में मुझे और क्या करना पड़ेगा? प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3.4018। ठीक है, याद आया, समझ में आया? ये पूरा लेना है, ये सब की सब ऐड करना, तो 2 लाख × 3.4018, तो ये आ गया बेटे 680360। अब क्या लेना पड़ेगा? अब लेना मुझे टैक्स सेविंग्स ऑन लीज रेंट अलग से।
और ये क्या आएगा, 1 to 4। बताओ बेटे कितना रुपए है, 2 लाख। और 2 लाख का टैक्स सेविंग कितना परसेंट है, 40%। तो 2 लाख का 40%, 80,000 रुपए का टैक्स सेविंग है। ठीक है सर, सर फैक्टर 1 डिवाइडेड 1.12, 1, 2, 3, 4। अब 1 to 4 लोगे, फैक्टर आएगा 3.0373। 80,000 × 3.0373, तो ये ब्रैकेट लगा दिया, ये आ गया 242984 फाइनल। 680360 माइनस 2429, 680360 माइनस 242984, तो ये आ गया 437376। तो बेटे ये आ गया PVCO अंडर लीस। ठीक है, अब बात किसकी करते हैं, अब करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 2, जिसका नाम मैंने क्या बोला था, बाय ऑप्शन। अगर हम खरीदते हैं तो क्या होगा सर, अगर हम लोग खरीदते हैं तो सबसे पहले मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन आज खरीदोगे, फैक्टर 1 ले लेते हैं, मशीन का कॉस्ट कितने का है, 5 लाख, तो यहां जाएगा 5 लाख। ठीक है, और क्या आएगा, और आएगा बेटे टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन। यही मुश्किल काम है, और डेप्रिसिएशन कितने साल तक लगाना पड़ेगा, लाइफ कितने साल है, 4 इयर्स, तो मुझे 4 साल का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। शर्त ये है कि डेप्रिसिएशन WDV मेथड है सर। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल का डेप्रिसिएशन अलग अलग आएगा। कैसे निकाला जाता है, 1, 2, 3, 4 फैक्टर लिख दे क्या, हाँ सर फैक्टर लिख देते, 1 डिवाइडेड 1.12। पहले साल का फैक्टर है 0.8929 ले लूं, यस। दूसरे साल का फैक्टर है 0.7972। थर्ड ईयर का फैक्टर आ गया 0.7118, और फोर्थ ईयर का फैक्टर ले लेते 0.6355। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकाले, तो मैंने आपको बताया था WDV मेथड, चाहे कोई भी हो, रेट दिया है तो कभी भी डेप्रिसिएशन निकालते समय स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं होता, 5 लाख × 20%। तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, पहले 5 लाख का 20% निकाल लीजिए, तो कितना आएगा डेप्रिसिएशन, 1 लाख। फिर क्या कीजिए, 0.8 × 1 लाख कितना आ गया बेटे, 80,000, फिर 64,000 इक्वल टू 51,200। पर मुझे तो यहाँ टैक्स सेविंग्स लिखना है, तो टैक्स का रेट कितना, 40%, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 40%, 1 लाख × 40%, तो यहाँ कितना जाएगा, 40,000। अब 80,000 × 40% की अपेक्षा मैं यहीं से कहूँ, जिस रेशो में भाई डेप्रिसिएशन कम हो रहा है, डेप्रिसिएशन का कम हो रहा है, उसी रेशो में टैक्स सेविंग भी कम होगा, मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ 0.8 क्यों ले रहा है, 20% डेप्रिसिएशन हटाओगे तो 80% ही तो बचेगा, 0.8 × 40,000, तो यहाँ जाएगा टैक्स सेविंग्स 32,000, यहाँ जाएगा 25,600 एंड इस साल आ जाएगा 20,480। तो 40,000 × 0.8929 ये आ गए 3576716, 32,000 × 0.7972, 2551025600 × 0.7118,
18222 एंड 20480 इनटू 0.6355 13015। सर क्वेश्चन खत्म हो गया कि नहीं बेटे, और एक चीज बची है, वो बची हुई है टर्मिनल वैल्यू। कौन से ईयर में? फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर का फैक्टर 0.6355। अब सर ये कैसे निकालते हैं? ये निकालना तो मैंने आपको कैपिटल बस्टिंग में अच्छे से समझाया हूं, फिर भी समझ लो। टर्मिनल वैल्यू, ये बताओ बेटे कि 4 साल बाद मशीन कितने की बिकेगी? सेल्स कंसिडरेशन बोलते हैं इसको। सर ये बिकेगी 1 लाख रुपए की। कैसे पता? लिखा हुआ है सर। माइनस क्या कुछ कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? कैपिटल गेन टैक्स। मशीन कितने की बेच रहे हो? 1 लाख। माइनस बुक वैल्यू कितनी थी 4 साल बाद, और इसको हम कैसे निकालते? 5 लाख। तो पहले साल के एंड में 80% बचेगा, फिर 80%। तो मैं सीधा ऐसा कर सकता हूँ, 0.8 × 5 लाख, 1, 2, 3, 4। तो ये आ गए बेटे 20480। तो सर ये तो टैक्स सेविंग होगी, लॉस हो रहा है। यस, तो यहाँ टैक्स सेविंग्स लिख देता हूँ, कैपिटल गेन टैक्स सेविंग्स। रेट कितना है जी? 40%। तो 1 लाख माइनस 20480 इंटू 40%, तो ये आ गया बेटे 41920। जुड़ जाएगा, ये भी मिला और ये टैक्स सेविंग हो गया, तो 141920। और यहाँ आ जाएगा, ये ब्रैकेट लगाया, 141920 141920 इंटू 0.6355, तो फाइनल 90190। अब देख लेते कितना। 5 लाख माइनस 35716 माइनस 25510 माइनस 18222 माइनस 13015 माइनस 90190। तो फाइनल आ गया 317347। ये आ गया PVCO अंडर बाय ऑप्शन। अब ये सोच के बताओ कौन सा ऑप्शन अच्छा है, जिसमें कॉस्ट कम पड़ती है। कॉस्ट किस में कम पड़ रहा है जरा देखो। सर सर कॉस्ट तो इसी में कम करे, तो लिख देंगे बाय ऑप्शन इज बेटर। क्यों? बाय ऑप्शन इज बेटर ड्यू टू लोअर PVCO, दैट्स इट। तो इस तरह से WDV भी हो सकता है, SLM हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब कोई एग्जाम्पल नहीं कर रहा। अब एक काम करते यार, सीधा क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम के क्वेश्चन, क्योंकि जितना भी एग्जाम्पल करवाऊंगा कम पड़ेगा। क्वेश्चन उठाते हैं। हाँ तो मैं ये कह रहा था क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन लीजिंग का, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 26। लीजिंग में खास बात बस इतनी है कि क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 26 लिखा हुआ है, द ऑल्सन कंपनी हैज डिसाइडेड टू एक्वायर अ न्यू ट्रक। अच्छा, इनको तो ट्रक ही खरीदना है सीधा सीधा। ठीक है भाई, ट्रक खरीदेंगे। तो बोले एक अल्टरनेटिव है, वन अल्टरनेटिव इज टू लीज द ट्रक एंड 4-year contract। 4 साल के लिए लीज पे ले लीजिए, और लीज रेंट है 1,20,000 पर ईयर विथ पेमेंट टू बी मेट। अंडरलाइन करोगे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करोगे एट द बिगिनिंग एट ईच ईयर। 1,20,000 का पेमेंट हो रहा है लीज रेंटल का, पर बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर हो रहा है। 4, 0, 1, 2, 3। ओके, द लीज वुड इंक्लूड मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस आएगा पर लीजिंग में नहीं आएगा।
बाई ऑप्शन में आएगा। अल्टरनेटिवली ऑल्सन कुड परचेज द ट्रक आउटराइट फॉर रुपीज 4 लाख, 4 लाख रुपए में भाई ट्रक ही खरीद लो ना, टेंशन क्यों ले रहा। ऑल्सन वुड हैव टू मेंटेन द ट्रक एट ए कॉस्ट ऑफ 10,000 पर ईयर। तो मेंटेन कब करोगे भाई, मेंटेनेंस का खर्चा कब लगेगा? सर लास्ट में लगेगा, कॉमन सेंस। पेबल एट ईयर एंड, ये तो लास्ट में होना। डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन भी इंपॉर्टेंट है। डेप्रिशिएशन एट 100% इज अलाउड इन द फर्स्ट ईयर। भाई टैक्स वाला बोल रहा है कि ये जैसे होता ना, शुरू में ही 100% लगा देंगे, बोले पहले साल में ही 100% चार्ज कर देना, बाकी चार्ज नहीं भी करोगे नहीं करना है, मतलब पहले साल में 100% डेप्रिशिएशन लग जाएगा। कैश सेल्वेज वैल्यू आफ्टर 4 ईयर, 4 साल बाद पैसा मिलेगा, मतलब ट्रक बेचेंगे तो 4 साल बाद मिलेगा, और कितना मिलेगा? 1 लाख रुपए। कैपिटल गेन टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा सोचते। डेप्रिसिएशन तो आप 100% पहले साल में चार्ज कर दिए, हाँ, तो जब 4 साल बाद 1 लाख रुपए का ट्रक बेचोगे आप, तो बुक वैल्यू तो कुछ है नहीं, तो पूरा की पूरा कैपिटल गेन हो गया। हाँ सर, और उस कैपिटल गेन पे टैक्स काट के देखना पड़ेगा कि नेट कितना मिलेगा, और लिखा भी है टैक्स रेट 50% बोथ फॉर ऑपरेशनल एंड कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेना 15%, एडवाइस करना ऑल्सन को। चलो जी, तो इसमें कुछ है नहीं। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस, कितने कॉलम होना है? 4। मैं फिर से बोलता हूं कि मेरे पास शॉर्टकट भी है, एक लाइन में भी आंसर आ सकता है, मुझे नहीं निकालना, प्रेजेंटेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां क्या जाएगा? ईयर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने परसेंट के हिसाब से लेना? 15%, अमाउंट और प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लीज ऑप्शन। लीज ऑप्शन में हमको क्या देना पड़ेगा? लीज रेंट। ठीक है, अब बेटे सुनना ध्यान से, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो लीज रेंट कहां से कहां तक? 0 to 3। ठीक है सर, नेट ऑफ टैक्स नहीं कर सकते। सर 0 to 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 divided by 1.15 = 1, 2, 3 GT plus 1, तो ये आ गया 3.2832 ले लूं। हाँ सर, कितना रुपए लीज रेंट है चेक करो, 1,20,000। तो 3.2832 × 1,20,000, तो बेटे ये आ गया 393,984। अब क्या लेना पड़ेगा? यहां से माइनस होगा टैक्स सेविंग्स ऑन लीज रेंट। टैक्स सेविंग तो 1 to 4 होगा, 1,20,000 का टैक्स का रेट कितना है? 50%। तो यहां माइनस हो जाएगा 60,000, लेकिन अब 4 साल का फैक्टर, 1 divided by 1.15 = 1, 2, 3, 4 GT, तो ये आ गए 2.855550। ठीक है, 60,000 × 2.855, तो यहां माइनस कर देंगे 1,713,93,984, तो बेटे ये आ गए आपका 2,22,684। दिस इज टोटल ऑफ ए, ये लीज ऑप्शन बोल दो, PVCO अंडर लीज ऑप्शन ऐसा बोल सकते। अब यहां मैं लिख रहा हूं ऑप्शन नंबर 2, या तो खरीद लीजिए
बाय ऑप्शन, खरीदते तो सबसे पहले क्या लगेगा, कॉस्ट ऑफ मशीन, कब खरीद रहा है, आज, आज का फैक्टर को हम क्या लेते हैं, वन। कितने का आ रहा है जी ट्रक, 4 लाख। चार लाख अब ट्रक आ रहा है 4 लाख का, तो टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन, चार लाख का 100%, तो ये आ गया डेप्रिसिएशन और उस पे टैक्स सेविंग आएगा 50%, तो सर 2 लाख आ गया फिर तो। यस, कौन से ईयर में, फर्स्ट ईयर में, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.15, फर्स्ट ईयर का फैक्टर है 0.8696, 0.8696 इनटू 2 लाख, तो सर ये माइनस में होगा, बिल्कुल सही, 173920। ठीक है, बस एक बात है कि अगर आप ट्रक खरीद रहे हो तो मेंटेन भी करना पड़ेगा, तो सर मेंटेनेंस एक्सपेंस पे टैक्स सेविंग भी तो होगा। हाँ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस नेट ऑफ टैक्स। नेट ऑफ टैक्स चेक करो, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कितना है हर साल, 10,000। 1 माइनस 0.5, तो बोलो कितना अब जाएगा नेट, 5,000। ये गलत लिखा, यहाँ फर्स्ट ईयर और यहाँ आना चाहिए 8696। ठीक है, तो भाई 5,000 रुपये का खर्चा है हर साल, 1 to 4, 2.8550, 5,000 इंटू 2.8550, तो ये आ गए 14275। ठीक, बस लास्ट में जो आएगा उसका नाम होता है टर्मिनल वैल्यू, अगर मशीन टर्मिनेट करोगे तो 4थे साल पैसा मिलेगा कितना, 0.8696। कैपिटल गेन कटे काटने के बाद कितना, टर्मिनल वैल्यू बोलो कितने में बेच रहे हो, सेल कंसिडरेशन 1 लाख माइनस क्या कर दीजिए, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कैसे कर रहे हो, 1 लाख में बेचा जबकि बुक वैल्यू है 0, तो टैक्स आ गया 50%, दैट इज 50,000। तो बताओ बेटे कितना आ गए, 50,000, दिस इज टर्मिनल वैल्यू, और ये पैसा आया, तो ये पूरा कैश आउटफ्लो निकाल रहा हूं, ये पैसा जा रहा है, ये आ रहा तो नेट कर दिया, ये जा रहा है। ठीक है सर, 50,000 इंटू 0.8696, तो ये बेटे 43480। अब निकाल लेते कितना आ रहा है, 4 लाख माइनस 173920 प्लस 14275 माइनस 43480, तो इसका आंसर आ गया, कुछ रह गया है कि कॉस्ट, यहाँ गड़बड़ हो गया भाई, यही तो होता है, यहाँ तो 4थे साल का फैक्टर लेना चाहिए, 1 डिवाइडेड 1.15, 1 2 3 4, कोई बात नहीं, होता है सर, 0.5717, 0.5717 इंटू कर दोगे 50,000, तो ये आ जाएगा 28585। अब देख लेते कितना, 4 लाख माइनस 173920 प्लस 14275 माइनस 28585, अब सही है 211770। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन अच्छा है, सर किराए पे लेते हो तो इतना खर्चा आएगा, और अगर हम खरीद ही लेते हैं ट्रक तो इतना खर्चा आएगा, बोलो खर्चा किस में कम आ रहा है, सर इसी में कम आ रहा है,
तो विच ऑप्शन इज बेटर? बाय ऑप्शन इज बेटर। ड्यू टू लोअर पीवीसी। बस अगर मैं कहूं लीज वर्सेस बाय, तो यही एक क्वेश्चन था, वो हमने कर लिया। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो है लीज वर्सेस लोन, तो वो हम अगली क्लास में करेंगे। अभी लीज वर्सेस बाय हुआ है, अगली क्लास में लीज वर्सेस लोन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप ऑपरेटिंग लीज वर्सेस फाइनेंस लीज बोलते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।